जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं ना, तो जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, लगभग 100 कमेंट में से लगभग 40 कमेंट यही है कि जीएस की बुक बताइए, मैथ की बुक बताइए और रीजनिंग की बुक बताइए। देखिए दोस्त, मेरी जो पहले शायरी सुनाने का पर्पज़ यही था, विश्वास करने वाली भाई, मैं 3 बुक बताने वाला हूँ, यदि उन पर आपने विश्वास कर लिया। अब देखिए, शक की या बहम की तो कोई दवाई नहीं होती, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस मरीज़ को विश्वास नहीं हुआ किसी डॉक्टर की दवाओं पर या डॉक्टर पर, तो वो रोगी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यही हिसाब यहाँ है भाई, पढ़ाई का या नौकरी की बीमारी है, ठीक है, नौकरी मिलने की। तो भाई इसमें मैं 3 बुक बताता हूँ तीनों सब्जेक्टों के लिए, यदि आपने ढंग से यूज कर ली तो ये रामबाण सिद्ध होंगी आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स पर आते हैं। देखिए, ये जो किताब हैं 8000 प्लस और 7600 प्लस और 8500 प्लस, ये चल गई, अब आकर चल गई भाई। देखिए, आरएस अग्रवाल की बुक का कोई भी जो है कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। छोटी बुक है, या फिर आप जो अंकित भाटी सर ने जो रिलीज की है, जो बुक निकाली है, उस बुक पर आप विश्वास कर सकते हैं। और नहीं, आरएस अग्रवाल प्रत्येक घर में मिल जाएगा, पैसे का भी काम नहीं है, बाहर से के अंकित भाटी सर की खरीद के लानी है, ठीक है। तो आरएस अग्रवाल की यार सीजीएल वाले बच्चे पढ़ते थे, ये तो अब चल गई बाकी बुक तो, ये ठीक है। आरएस अग्रवाल की बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा टाइप नहीं मिलेगा जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, जो आरएस अग्रवाल की बुक में ना हो। अब देखिए, मोटी बुक से एक और नुकसान है, आपको ये मोटी बुक दिखेगी तो आपको पहाड़ जैसा लगने लगेगा, आपके मानसिक तनाव में आ जाओगे, आपकी अरे मैथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, अरे उसमें 3-3, 4 पेज में एक एक चैप्टर दे रखा है, ख़त्म करो आगे बढ़ो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो भी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों से, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप वहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके सभी के, मैथ क्लियर हो गया भाई। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग के लिए। भाई रीजनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है मार्केट में, जो पीयूष सर की बुक है, ठीक है। देखो यार, UPSC के लिए भी पढ़ते हैं और उसे कॉन्स्टेबल के लिए भी पढ़ते हैं। वो बुक अपने आप में ऐसी है कि उस बुक को लेने के बाद आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छे ऐसी शॉर्ट ट्रिकों से बताया गया है पीछे, बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर की जो किताब पर भरोसा कर सकते हैं। अब बात है आप GS की, ठीक है, जिसका जो जाडा है सबको चढ़ा रहता है। तो भाई GS के लिए एक किताब है जो मैं बार बार बताता हूँ, पिनेकल। देखिए, लेकिन पिनेकल को यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। पिनेकल जो पढ़ी जाएगी आपकी प्रीवियस ईयर पेपरों को लेकर, ठीक है ना। पिनेकल जो पढ़ी जाएगी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ पढ़ी जाएगी, ताकि आपको पता चले कि इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये मटेरियल इसमें से निकालना है। और पिनेकल के साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। देखिए, शॉर्ट नोट्स से तो ये फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स से, कि हमें जो लास्ट में जाकर जो एग्ज़ाम का समय होता है, उस समय पर हमें रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा जो सहायक सिद्ध होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है दोस्त। मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है इमेदत्री करके, ठीक है, उस पर देखिए, मैं शॉर्ट नोट्स अपने सब्जेक्ट वाइज डालता रहूँगा, जो कि एक प्रोग्राम चलाएंगे हम, जो दिल्ली पुलिस का भी स्टार्ट होने वाला है। देखिए, मैं 2000 काम रह गए हैं, इनसे थोड़ा फारिग हो लूँ, उसके बाद प्रोग्राम चलाएंगे हम, जो मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मैंने चैनल कोई पैसे वगैरह के लिए नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना, ईश्वर का दिया इतना कुछ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भाई, हमारा ये परिवार दिल्ली पुलिस का परिवार है, ये बड़े और इसमें अच्छे लोग आएँ, मेहनती लोग आएँ, ठीक है दोस्त। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो भाई, तीनों बुक मैंने बता दी आपको, मैथ के लिए आरएस अग्रवाल की बुक, और आपकी रीजनिंग के लिए पीयूष सर की बुक, और जीएस के लिए आपको पिनेकल की बुक बता दी है, ठीक है। और बात एक और बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए एक एडिटोरिया करके बुक आती है, वो 6 महीने की, 1 साल और 1.5 साल, 3 जो मैगजीन लेके आती है वो। तो देखिए, आप दिल्ली पुलिस के लिए 1.5 साल की जो आपकी करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, आपका यदि नवंबर में पेपर होगा, नवंबर दिसंबर, तो उससे 1.5 साल लगा लीजिए, कब तक बैठेगा, तो आपके 1.5 साल की करंट अफेयर्स चाहिए, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलो तो आप, यदि आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, यदि कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, मैं पढ़ता मुझे ध्यान आया, मेरी मच्छरदानी टंगी हुई है, आपकी ड्यूटी करके आया हूँ, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं आगे, जय हिंद।